जब भी हम रोज सोचते हैं कि टिफिन में क्या बनाएं, आज मैं आपके लिए एकदम नए तरीके से सूखी तुअर दाल फ्राई की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। और ये तुअर दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तुअर दाल को चपाती के साथ, रोटी के साथ और ज्वार की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, बंजारा कुड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जग्गू। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सूखी तुअर दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप के करीब तुअर दाल लिया था और एक घंटे के लिए भिगो करके रखेंगे इस तुअर दाल को। अच्छे से ये तुअर दाल जो है अच्छे से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं आसानी से टूट रही है, मतलब अपना तुअर दाल जो है अच्छे से भीग चुका है। और अब हम क्या करेंगे, दो तीन पानी से अच्छे से वॉश करके ले लेंगे, यानी धो के ले लेंगे तुअर दाल को। पानी चेंज कर करके अच्छे से धो करके ले लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से धो करके ले लिया। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। पहले कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल को पहले अच्छे से गर्म करके ले लेंगे, नहीं तो हम जो भी सब्जी बनाते हैं वो ऑयली ऑयली लगने लगेगी। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 10 से 12 करी पत्ता, यानी कड़ी पत्ता भी बोला जाता है, करी पत्ता भी बोला जाता है, और 1-2 मिनट तक फ्राई करके ले लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे यहाँ पे ताकि मसाले जो है जले ना। 2 मीडियम साइज प्याज ऐड कर देंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे प्याज को। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि प्याज जो है जल्दी से अच्छे से पक जाए। ये दाल फ्राई जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी मैं कॉलेज में लेके जाती थी, इस दाल फ्राई को बहुत ही मज़े से खाते थे मेरे फ्रेंड, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल फ्राई। अब हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज टोमेटो कटे हुए एकदम बारीक, और उसको भी अच्छे से मिला करके ले लेंगे। टोमेटो थोड़ा सा गलने तक पका लेंगे हम। टोमेटो जो है अच्छे से गल चुके हैं, अब हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, यानी जो मसाले वाली रेड चिली पाउडर रहती है वो ऐड कर देंगे अब हम। स्वाद अनुसार नमक, यानी 1/2 चम्मच नमक, और अच्छे से मिला करके ले लेंगे सारे मसालों को। हमने जो भिगो के रखे थे तुअर दाल को वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला करके ले लेंगे सारे मसालों के साथ तुअर दाल को। ये देखिए मैंने मिला दिया। दाल जो है जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा लिटिल बिट पानी ऐड कर देंगे यहाँ पे और अच्छे से मिला करके ले लेंगे और एक बार। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई का ढक्कन बंद करके 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि दाल जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, दाल जो है अच्छे से पक चुकी है, अब हम थोड़ा सा मिला करके ले लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता इस तरह से ऐड कर देंगे ऊपर से और एक बार मिला दें। ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, आप भी बनाकर एक बार ट्राई करके देखें। सूखी तुअर दाल फ्राई जो है बनकर रेडी है, अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। इस तुअर दाल को चपाती, रोटी और बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी के साथ टिफिन में ले जा सकते हैं और घर पे भी खा सकते हैं। आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो इस तरीके से मैं घर पे बनाती हूँ तुअर दाल की रेसिपी, आप भी बनाकर खाएं और टिफिन में भी ले जा सकते हैं। जल्दी से जल्दी बनकर रेडी हो जाता है।